Good morning, students. Welcome to the online teaching. Today we will start our EVS second lesson, Habitat of Animals. Habitat means होता है वास निवास, and animals means जानवर, means जानवरों का घर जहाँ वो रहते हैं. तो इस लेसन में हम आज पढ़ेंगे कि different types के जो animals है उनका habitat कैसा है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं. There is a one activity. आपने इसमें different animals दिए गए हैं, आपने उनको according to habitat match करना है after reading the lesson. So I'm going to start the reading. Listen carefully. Animals are found in nearly all part of the earth, including land, water, air, and trees. An area where a particular animal naturally lives and performs a certain set of function is called a habitat. अर्थ पे different टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं. कोई लैंड पे रहता है, कोई वाटर पे, कोई एयर में रहता है. लैंड, वाटर, एयर एंड ट्रीज पे रहते हैं, और इनकी जो जगह होती है रहने के लिए जहाँ जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट, वास. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, मीन्स स्थलीय जानवर. एंड जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. जो एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस. एंड सम एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एर्बोरियल. जो ट्रीज पे रहते हैं उनको एर्बोरियल बोलते हैं. एनिमल्स दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल. और जो एनिमल उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, एरियल. So they are the different types of habitat according to animals. Mean वो जहाँ जहाँ रहती है उसके according क्या है, उनका different habitat होता है. Body covering of animals. Mean animals की body है वो उस पर क्या क्या होता है, कैसे cover होती है. जैसे हमारी body पे skin होती है, hair होते हैं, animals की body पे क्या क्या होता है. हेयर, फर, वूल, हेयर मीन बाल, फर, वूल, उन जो होती है उनके शरीर पे. ह्यूमन बींग्स एंड फ्यू अदर एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर स्किन. कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग की स्किन पे क्या होती है, बॉडी पे हेयर. विच हेल्प कीप वाइज वॉर्म. वो उनको क्या है, गर्मी से बचाते हैं. फर ग्रोज ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. चमड़ी, फर ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक फॉक्स, बियर, डियर एक्सेट्रा. That protect their skin and also provide warmth during the cold weather. और जो फर होती है उनकी स्किन पे वो क्या करती है, उनको सर्दियों में बचाती है ठंड से. Some animals like sheep, ox have wool on their body that keep us warm. और कुछ जानवर होते हैं जैसे sheep, ox, उनके ऊपर क्या होती है, wool होती है, उन जो क्या उनकी body को गर्म रखती है, गर्मी से बचाती है, वॉर्म रखती है उनको सर्दी में. शेल, शेल में होता है कवर, जिसमें कवर्ड होता है वो. सम एनिमल्स लाइक स्नेल, टर्टल्स हैव अ शेल ऑन देयर बॉडी. उनके ऊपर क्या शेल होता है, एक कवर्ड होता है. हार्ड शेल प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल्स. और वो क्या उनकी वो शेल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और वो क्या करता है, एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. स्केल्स, बॉडी ऑफ स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स आर कवर्ड विद स्केल्स. और इनके ऊपर क्या होती है, स्केल्स. दिस प्रिवेंट वाटर लूज फ्रॉम देयर बॉडी. और ये क्या करती है इनकी बॉडी से, वाटर लूज फ्रॉम देयर बॉडी. फिश आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स दैट आर वाटर प्रूफ. इनमें क्या होती है, फिश पे क्या होती है, ओवरलैपिंग स्केल्स होती है, स्किन्स होती है इनकी ऐसी, जो क्या इनको वाटर प्रूफ रखती है. इनमें वाटर एंटर नहीं होता, इनको क्या है, पानी में अच्छे से ये रह सकते हैं. लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, लीजर्ड. फैदर्स मीन पंख. बर्ड्स हैव फैदर्स विच कीप देयर बॉडीज वॉर्म. बर्ड्स के जो पंख होते हैं उनको क्या रखते हैं, वो गर्म रखते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फैदर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डेंजर. डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट फैदर्स होते हैं जो क्या उनको डेंजर से, खतरे से बचाते हैं. फैदर्स मीन पंख. फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स मीन उनके खाने की आदतें कौन सी होती है. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी.
एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए, ताकत के लिए और सेहतमंद रहने के लिए। एन एनिमल फूड हैबिट्स एंड माउथ पाथ डिपेंड ऑन व्हाट इट ईट्स, और उनकी जो हैबिट्स है, खाने की हैबिट्स, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है वो क्या क्या खाती हैं। जैसे होते हैं हार्बिवर्स एनिमल्स दैट डिपेंड ओनली ऑन प्लांट्स फूड, और जो प्लांट्स खाते हैं ओनली एनिमल्स, उनको क्या शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। हार्बिवर्स मीन्स शाकाहारी एनिमल्स, जो क्या ओनली प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काओ, डियर, गोट, जेब्रा, शिप, ये क्या है, सभी क्या है शाकाहारी जानवर है और ये प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर मीट एंड फ्लैश, और जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनका मीट खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। वे उनके क्या होते हैं, तीखे शार्प टीथ होते हैं, जिनसे क्या वो किसी की भी बॉडी को क्या है उसमें कट लगाकर उनको डेड कर खा सकते हैं, जैसे कि टाइगर लोइन। बर्ड्स दैट डिपेंड ऑन फ्लैश ऑफ देयर एनिमल, फ्लैश क्या होता है, जो मीट के बचे हुए स्किन का, किसी भी एनिमल का बचे हुए टुकड़े होते हैं स्किन मांस के, उनको क्या बोलते हैं फ्लैश, वेस्ट जो होता है, जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स वो भी क्या है इनको खाते हैं, लाइक ईगल। और जो एनिमल्स वो कहते हैं प्लांट्स पे भी डिपेंड रहते हैं और एनिमल्स पे भी, मीन एनिमल्स को भी खाते हैं फूड के तौर पे और प्लांट्स को भी, उनको क्या बोलते हैं ओमनिवोरस। दे हैव बोथ फ्लैट एंड शार्प टीथ विच हेल्प इन बिटिंग एंड टीयरिंग फूड, ह्यूमन बींग्स बियर्ड आउट एक्स्ट्रा ओमनिवोरस। मतलब जैसे कि मनुष्य, भालू, उल्लू, ये सभी क्या है ओमनिवोरस, मीन्स ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। देयर आर सम काइंड ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल, मैनी एनिमल्स डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड लाइक क्रो, हाउस फ्लाई, वल्चर। कहते कुछ एनिमल जानवर्स ऐसे होते हैं एनिमल्स, कहते हैं जो मरे हुए जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, जैसे कि क्रो, कां, वल्चर, ईगल्स एक्सेट्रा। दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स, दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स, इनको क्या बोलते हैं स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स सर्टन। और जो क्या करते हैं उनके जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाकर क्या करते हैं, अर्थ को क्या करते हैं साफ रखते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, खत्म कर देते हैं उनको, क्योंकि अगर ये एनिमल्स ना हो तो क्या पूरे अर्थ पे क्या हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगा। और बोलते हैं एक एलिफेंट क्या करता है 136 किलोग्राम फूड इन वन डे, वो कितने किलोग्राम फूड खाता है एक दिन में, 136 किलोग्राम फूड चाहिए एक एलिफेंट को, खा सकता है वो। ब्रीथिंग इन एनिमल्स मीन एनिमल्स सांस कैसे लेते हैं, ब्रीथिंग मीन सांस लेना। और एनिमल नीड एयर टू लिव, सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। और सभी एनिमल्स क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या है ऑक्सीजन लेते हैं। इंसेक्ट हैव स्मॉल होल्स दैट स्पाइरेकल्स, जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें क्या है छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं स्पाइरेकल्स, इनके थ्रू ही क्या करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं थ्रू गिल्स, जैसे गलफड़े गिल्स मीन गलफड़े, फिश, टेडपोल्स, डड्डू, मेंढक एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स मीन जो पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं थ्रू गिल्स, जो उनके गलफड़े होते हैं, लुक एट द पिक्चर दिख रहे हैं आपको, इसके थ्रू क्या लेते हैं वो क्या करते हैं अपना सांस लेते हैं। व्हेन दिस वाटर पासिस थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन इन द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू पास आउट, जब कहते हैं वाटर क्या उनके गिल्स के पास से जाता है तो क्या करते हैं वो ऑक्सीजन जो वाटर में ऑक्सीजन होती है पानी में वो क्या कर लेते हैं अब्सॉर्ब्ड कर लेते हैं अपने अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बाहर निकाल सकते हैं थ्रू लंग्स, फेफड़े, बर्ड्स, मैमल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, जो बर्ड्स होते हैं मैमल्स होते हैं छोटे छोटे जानवर वो कैसे कैसे सांस लेते हैं थ्रू लंग्स। द एयर दे इनहेल एंटर थ्रू द नोज रीचेस द वाइन पाइप एंड गोज इन टू द लंग्स, वो एयर इनहेल करते हैं इनहेल में अंदर लेना थ्रू नोजेस थ्रू नोज और देन वो कहाँ जाती है लंग्स में फेफड़ों में।
हेयर आर द गैसेज आर एक्सचेंज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, और ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। और क्या ये कहते हैं वेल्स डॉल्फिन ये भी क्या है एक्वेटिक एनिमल्स है, और ये भी कैसे लेते हैं सांस थ्रू लंग्स, हेंस वी ऑफ्टन सी देम कमिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रेथ इन देयर। हमने देखा है कि जब भी कहते हैं वेल जैसे वेल फिश है इसको सांस लेनी होती है तो वो कहाँ आती है सरफेस आती है वाटर के बाहर आती है कुछ कुछ टाइम बाद सांस लेने के लिए, और ये कैसे सांस लेती है थ्रू ब्लो होल्स, ये अपने ब्लो होल्स के थ्रू क्या है सांस लेती है। सो दिस इज योर टूडेज लेसन अबाउट हैबिटेट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। यू रीड दिस लेसन एट होम एंड अंडरस्टैंड। इफ यू एनी क्वेरी देन आस्क मी। ओके थैंक यू।